शीतल, सुबह सुबह क्या हुआ? बोल बोल तो सारा मोहल्ला रहा है। अपनी ही बेटी को सड़क पे ले आई है तू। क्या बात रही है, सुबह सुबह पी के आई है क्या? पीने तो शायद तू लगी है, इसलिए तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। तेरी सहेली पम्मी ने बलवंत शर्मा का घर धोखे से हत्या के ना सोनल और उसके परिवार को रोड पे ले आई है। तूने अपनी ही बेटी की जिंदगी नरक कर दी है शीतल। शर्मा परिवार पर लोग तरस खा रहे हैं, पम्मी की तो बुराई कर रहे हैं लोग, लेकिन तेरे नाम की तो थू थू हो रही है। और बेचारे सोनल की हालत देख के तो मुझे आंसू आ रहे थे। ठीक है, ज्यादा नमक मसाला लगाने की जरूरत नहीं है। सोनल मेरी बेटी है, मैं उसे संभाल लूंगी, उसके घर को भी संभाल लूंगी। तू जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं। ओ भाई जल्दी निकल आओ, ओए कसम देसी घी की बड़ी तेज आई है। मेरा नंबर है। अरे हाँ भाई साहब, आप ही का है। ये टूटा फूटा लकड़ी का डब्बा, इसे तुम बाथरूम कहते हो? ओ महाराज, और कैसा होता है बाथरूम? आपने कौन सा अंदर सारा दिन बैठना है? कसम देसी घी की, पेट साफ करके बाहर आ जाइएगा। एक हाथ से तो नाक बंद करूंगा, दूसरे से पजामा पकड़ूंगा, पेट साफ करने के लिए दरवाजा क्या दांतों से बंद करूंगा। क्या हुआ दादाजी, चाय अच्छी नहीं बनी? चाय तो ठीक है, तुम दोनों की बातों ने ना मेरे मुंह का स्वाद खराब करके रख दिया है। क्या ठीक हो जाएगा है? बताओ। वो तकदीर से लड़कर तुम दोनों एक हो गए, और ऊपर वाले ने नाराज होकर ना हम सब की तकदीर बदल दी। तुम्हारे प्यार ने परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक होने वाला। दादाजी सोच समझ के बोलो। पर बापू तेरा जबान संभाल कर बात किया कर मेरे साथ। और सोचा था आखिरी सांस अपने घर में जाकर लूंगा, तो चला जाऊंगा अपने बेटे और बहू के पास, लेकिन तुम लोगों ने मेरा घर भी छीन लिया और मेरी अंतिम इच्छा भी। बलवंत, तुम्हारे से पहले तो मैंने ऊपर जाना। अरे तू अकेला थोड़ी, हम सब बेघर हुए हैं, तू कुछ मदद कर सकता है तो कर, इस तरह बकवास मत कर। तू मेरे साथ चल, अभी तेरी माँ जिंदा है, चल।